कैसे हो? आई होप आप सब ठीक रहेंगे यार। आज और एक अल्टीमेट पीसी लेके आया हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। पीसी की ब्यूटी आप देख सकते हो यार, क्या बोलूं आपको। कस्टमर को ब्लैक एंड व्हाइट थीम के अंदर पीसी बनाना था। ये कस्टमर का जो यूज है, 2K लेवल का गेमिंग करना है, 4K लेवल एडिटिंग करना है, ये परफेक्ट पीसी है। और परफेक्ट पीसी चाहिए था, और कंपोनेंट्स भी काफी अच्छे कंपोनेंट्स आपने इसके अंदर सजेस्ट किए कस्टमर को, और कस्टमर टोटली सेटिस्फाइड होके ये बिल्ड करते हैं। ये है Corsair का 4000X कैबिनेट। इसके अंदर 4000D भी आता है, लेकिन कस्टमर ने 4000X लिया। इसका स्पेशलिटी क्या रहता है कि इसके अंदर एक टेम्पर्ड ग्लास भी लगा हुआ रहता है। आपको चाहिए मैश आप इजीली निकाल सकते हो। 4000D के अंदर भी ये फीचर्स है, 4000D के अंदर भी ये फीचर्स है, लेकिन 4000D के अंदर टेम्पर्ड ग्लास नहीं आता। अगर आप टेम्पर्ड ग्लास के साथ में यार ये पीसी अगर बिल्ड करते हो, यार क्या बोलूं मैं आपको। 4000X के साथ में ये अल्टीमेट फ्रंट व्यू देता है, और साइड टेम्पर्ड ग्लास रहता है। फ्रंट के अंदर टाइप सी पोर्ट है, यूएसबी 3.0 का एक स्लॉट रहता है जो आप देख सकते हो। टॉप में 240mm इजीली माउंट हो जाता है, और बिल्ड होने के बाद में आप लुक भी देख सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो मदरबोर्ड मैंने यूज किया है, गीगाबाइट का Z690 UD सीरीज का मदरबोर्ड है। उसके अलावा 16 GB की दो रैम लगाया है भाई, और Z690 UD सीरीज का जो मदरबोर्ड है वो PCI Express Gen 5 ग्राफिक कार्ड भी सपोर्ट करता है। लेकिन कस्टमर ने अभी Gen 4 सीरीज का एक ग्राफिक कार्ड लिया, लेकिन Z5 भी फ्यूचर प्रूफ है, और DDR4 रैम के अंदर ही लिया है। और उसके अलावा प्रोसेसर जो यूज किया है, इंटेल कोर i7, आप देख सकते हो 12700K सीरीज का प्रोसेसर है, ओवरक्लॉक्ड प्रोसेसर, एकदम घासू प्रोसेसर इसको बोल सकते हैं। और SSD जो यूज किया सैमसंग की 980 सीरीज की 500GB NVMe यूज किया है। और उसके अलावा भाई ये है वन ऑफ द बेस्ट एंड बजट इकोनॉमिकल गीगाबाइट RTX 3060 Ti ग्राफिक कार्ड यूज किया, जो गेमिंग OC सीरीज का 3 Fan का ग्राफिक कार्ड। आप खुद देख सकते हो ये RGB फ्यूजन 2.0 सपोर्टिव है, बजट इकोनॉमिकल ग्राफिक कार्ड है 3060 Ti के अंदर। अगर आप इसका नेक्स्ट वेरिएंट लेते हो, आप Aorus सीरीज का आता है, वो भी आप स्वाइप अप करवा सकते हो। रैम यूज किया है नॉन RGB के अंदर, Corsair का 3600 MHz का 16 GB की दो रैम है। उसके अलावा भाई कस्टमर को एक्चुअली एयर कूलर ही काफी था, सिंगल फैन वाला, लेकिन बोला यार थोड़ा सा किशन भाई बजट बढ़ाता हूँ, और ये लिया है TH240 सीरीज का AU जो व्हाइट कलर का दिखता है भाई, ओके। और ये स्नो एडिशन के अंदर आता है। उसके अलावा डीप कूल का DQ750 पावर सप्लाई लिया है, और वो भी भाई गोल्ड रेटेड फुल्ली मॉड्यूलर व्हाइट कलर का। और ये पीसी अब बिल्ड होने के बाद में अल्टीमेट लुक दिखता है। ये पीसी अभी जोधपुर के लिए शिप हो रहा है। आपको भी ऐसे ही एक्साइटिंग पीसी चाहिए, मेरा स्टोर विजिट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस कंपोनेंट का जब वीडियो पोस्ट करूंगा, उस दिन के इंडिविजुअल प्राइसेस डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट में जरूर बताना कि ये पीसी बिल्ड कैसा था, नेक्स्ट पीसी किस तरह का आपको बनाना।